हेलो विक्की, कैसे हो? क्या तुमने कंपनी लॉ पढ़ रखा है? हाय अंकल। यस, मैंने पढ़ा हुआ है कंपनी लॉ। वो मेरे CMA इंटर में एक सब्जेक्ट है लॉ। मैंने क्लासेस ली थी मोहित सर से, तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सही है फिर तो। अच्छा ये बताओ, कंपनीज एक्ट के अंदर कितने सेक्शन हैं? द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं। अच्छा, इसके पहले सेक्शन में क्या-क्या लिखा हुआ है? सेक्शन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद फोर थिंग्स: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल? शॉर्ट टाइटल मतलब क्या? अंकल, शॉर्ट टाइटल मतलब एक टाइटल दिया गया है इस लॉ को, जो कि है द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट और कमेंसमेंट, इसमें क्या क्या है? एक्सटेंट मतलब कि ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो ये एक्ट एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया, मतलब ये एक्ट एप्लीकेबल होगा इन एंटायर इंडिया। कमेंसमेंट मीन्स शुरुआत। सो दिस एक्ट वॉज साइंड बाई प्रेजिडेंट ऑन 29th of August 2013 एंड इट वॉज नोटिफाइड ऑल ओवर इंडिया ऑन 30th अगस्त 2013। सेक्शन वन ऑफ दिस एक्ट केम इन टू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑन डिफरेंट डेट्स थ्रू डिफरेंट नोटिफिकेशन। एंड द लास्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। हाँ तो बताओ किस किस पर एप्लीकेबल होगा? तो सबसे पहले, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके अलावा ये एक्ट एप्लीकेबल है इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर और एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स। क्या बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबके तो अपने अपने एक्ट है, तो ये कंपनीज एक्ट भी फॉलो करेंगे? हाँ, इन कंपनियों को अपने अपने स्पेशल एक्ट के साथ कंपनीज एक्ट 2013 को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर इनके स्पेशल एक्ट के अंदर कुछ और लिखा है जो कि अलग है कंपनीज एक्ट से, तो फिर वो किसको फॉलो करेंगे? यस, इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी विद द प्रोविजन ऑफ देयर स्पेशल एक्ट विद कंपनीज एक्ट 2013, देन दे हैव टू फॉलो देयर ओन एक्ट, बिकॉज स्पेशल एक्ट ऑलवेज ओवरराइड द जनरल एक्ट एंड कंपनीज एक्ट 2013 इज अ जनरल एक्ट। और भी किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या? हाँ, दिस एक्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल ऑन बॉडी कॉर्पोरेट्स। बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट को तो हम कंपनी मानते ही नहीं, तो फिर इसके ऊपर एप्लीकेबल कैसे हो सकता है? यस अंकल, दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस एक्ट। दिस एक्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल ऑन बॉडी कॉर्पोरेट्स बट नॉट ऑन ऑल सच बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर नोटिफाइड बाई CG। फॉर एग्जाम्पल, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स बट कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन दीज बॉडी कॉर्पोरेट्स बिकॉज दीज बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नोटिफाइड बाई CG। तो एप्लीकेबिलिटी में सबसे पहले तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा सारे कंपनी के ऊपर, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा बैंकिंग कंपनी, चौथा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, पांचवा एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। लेकिन अगर उनका स्पेशल एक्ट कुछ और बोलता है तो फिर उनको वही फॉलो करना होगा। और छठा लास्ट बॉडी कॉर्पोरेट, वो बॉडी कॉर्पोरेट्स जिसको CG ने नोटिफाइड किया है। ओके अंकल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस, आई गॉट इट। थैंक यू इतनी सारी जानकारी देने के लिए।